हेलो स्टूडेंट्स, साईराम। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। भगवान ने सृष्टि की निर्मिति की है। वो जो निर्मिति है वो बहुत ही अगाध है, अनंत है। उसने जो मनुष्य प्राणी की जो निर्मिति की है वह बहुत ही जटिल है, कंफ्यूजिंग है। सब मनुष्यों को हवा, पानी और अन्न की तीन मूलभूत चीजों की जरूरत है, लेकिन उसमें से शुद्ध हवा जो है वह सांस और प्रश्वास लेना जो है वह मनुष्य प्राणी या सभी प्राणी मात्र जो है वो नाक से ही लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। शरीर शास्त्र का यह नियम जो है वो सबके लिए सेम ही है। और इसीलिए आज जो मैं आपको प्राणायाम सिखाने जा रही हूं वह प्राणायाम जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल कैटेगरी में है कि उस प्राणायाम में हम श्वास जो है वो मुंह से लेंगे और प्रश्वास जो है वो हम नाक से करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, आपको मालूम ही है कि हमारे क्लास की शुरुआत हमेशा हम ओमकार चैंटिंग, मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग से करते हैं। तो आज भी हमारे क्लास की शुरुआत हम मेडिटेशन से प्रथम करेंगे। सिट इरेक्ट, बैक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग, जेंटली क्लोज योर आईज, इनर अवेयरनेस, हैंड्स ऑन योर द्रोण मुद्रा पोजिशन एंड जस्ट फ्यू सेकेंड्स डीप ब्रीदिंग राउंड्स। अभी हम ओमकार चैंटिंग करेंगे मध्यम स्वर में। थ्री टाइम्स हमें ओमकार का चैंटिंग करना है, ध्यान पूरी तरह से उच्चारण के ऊपर। ब्रीद आउट, डीप पूरक ब्रीद इन, कंप्लीटली रेचक ब्रीद इन, उच्चार स्टार्ट। ओ पूरक ओ पूरक ओ शरीर शांत, मन शांत। और इसी अवस्था में हम करेंगे मंत्र का उच्चारण, मंत्र चैंटिंग। जॉइन योर हैंड्स, रिस्ट एल्बोज इन अ वन लाइन, सिट इरेक्ट एंड जेंटली क्लोज योर आईज। आज का जो मंत्र उच्चारण हम करने वाले हैं वह महामृत्युंजय मंत्र हम करने वाले हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकम् इव बन्धना मृत्योर्मुक्षी यमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृता। Gently open your eyes, hands down again.
शरीर शिथिल, मन उच्चारण के बाद शांत। उसके बाद हम करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज, वार्मिंग अप एक्सरसाइज। आज का जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो टू टाइप्स ऑफ नेक रोटेशन है। जब भी हम ये नेक रोटेशन करेंगे तभी मैं 1, 2, 3, 4 नंबर्स कहूंगी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक और फॉरवर्ड बेंडिंग, फ्रंट साइड। इस प्रकार से स्लोली नेक रोटेशन हमें करनी है, साइडवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो इस रोटेशन में हमें मिलने वाला है। सिट इरेक्ट अगेन, हैंड्स ऑन योर नीज, बैक स्ट्रेट, बी पपूरक, कंप्लीटली रेचक, ब्रीद इन, राइट टू लेफ्ट फर्स्ट, 1, मिडल, लेफ्ट, मिडल, बैक, मिडल, 4, फ्रंट, कम अप अगेन, फिर से एक बार हम दोहराएंगे, राइट साइड 1, मिडल 2, मिडल 3, बैक, मिडल 4, फ्रंट, कम अप। नाउ लेफ्ट टू राइट। अभी मैं सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये बोलने वाली हूं। ध्यान नेक की तरफ, स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4. शरीर शिथिल, मन शांत, लूजनिंग एक्सरसाइज करने के बाद, वार्मिंग करने के बाद हमें बहुत ही नेक पोर्शन जो है वो लूज मालूम पड़ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। हमें अभी मालूम हो चुका है कि शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिरता और भावनिक शांतता, ये जो योगा का एम है वो सिर्फ हमें योग साधना से ही मिलेगा। इसीलिए आज नया प्राणायाम सीखने से पहले मैं आपको प्राणायाम का आइडियल रेशो, आइडियल उसका जो प्रमाण है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। 1:4 एंड 4:2 पूरक, कुंभक और रेचक, ये जो तीन क्रियाएं मैंने आपको बताई थी, तो 1 means पूरक, 4 means कुंभक और 2 means रेचक। यह जो आइडियल प्रमाण है वो हम कभी कर सकते हैं, जब भी हमारी एडवांस योग साधना होगी, बहुत साल हम योग साधना कर रहे हैं तभी ही हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के पीरियड में, आज के समय में हमें सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस करते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग के तौर पर ही हमें प्राणायाम करना है। तो चलो बच्चों, आज का जो हमारा प्राणायाम है जो शरीर को ठंडक देता है, क्रोध तान तनाव कम करता है, वह नया प्राणायाम हम सीतकारी सीखेंगे। तो आइए जानते हैं, पहले हम देखते हैं कि सीत का अर्थ क्या है। श्वास लेते समय सी या सीत शब्द जो है वो हमारे मुंह से निकलता है। ये सीत शब्द का अर्थ है ठंडकपन, और कारी, सितकारी, कारी शब्द का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। शरीर में ठंडकपन
ठंडावा ठंडकपन उत्पन्न करने वाला यह जो है शीतकारी प्राणायाम। अभी हम इस प्राणायाम की विधि की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब भी हम यह प्राणायाम करने वाले हैं मैं फिर से आपको बताऊंगी कि इस प्राणायाम का जो श्वास है वह हमें मुंह से लेना है और प्रश्वास जो है वो हमें नाक से करना है। जब भी हम ये प्राणायाम करेंगे तभी हमें मुंह खोल के दोनों दांत जो है वो एक के ऊपर एक बिठाना है। जीभ जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई तालू को चिपकी हुई रहेगी और उस दांतों के गैप्स में से हमें ज्यादा से ज्यादा बाहर की हवा डीप पूरक करके अंदर लेनी है और रेचक करते वक्त हमें वही प्रश्वास नाक से हमें करना है। मुंह से पूरक और नाक से रेचक। अभी हम ये प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे वह उसकी विधि देखेंगे, उसका डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। सिट इरेक्ट, ध्यानात्मक गटका जो आसन हमें आता है उसमें हमें बैठकर हाथ द्रोण मुदा में रखकर इस प्राणायाम की हमें शुरुआत करनी है। प्राणायाम करने से पहले और प्राणायाम करने के बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग कंपलसरी करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। शीतकारी प्राणायाम, जेंटली ओपन योर आईज। जब भी हम पूरक कर रहे हैं दांतों के गैप में से जहां जब भी हम उस पूरक को ठंड हवा को अंदर जब भी ले रहे हैं तभी अंदर और सांस को छोड़ते वक्त प्रश्वास करते वक्त जब भी हम वो ठंडकपन नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हमें महसूस हो रही है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है, उसकी तरफ हमें कॉन्सेंट्रेशन रखना है। मैं फिर से कहूंगी कि शीतकारी करते वक्त यही एक मैंने कहा कि ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में प्राणायाम आता है कि श्वास जो है वो मुंह से लेना है और प्रश्वास जो है वो हमें नाक से करनी है और इसे हम कहेंगे शीतकारी प्राणायाम। यह जो प्राणायाम है इसको ठंडक देने वाला क्रोध को कम करने वाला शीतकारी प्राणायाम अभी हमने सीखा। अभी हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ शीतकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप तनाव चिंता गुस्से को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी यह प्राणायाम जो है वो उनके लिए रामबाण उपाय है। इस प्राणायाम के अभ्यास से गले की जो बीमारियां हैं वो कम करने के लिए क्रोध से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है जैसे कि बीपी के प्रॉब्लम्स होंगे तो उन पेशेंट्स के लिए यह प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम बहुत ही बहुगुणी है, लाभदायक है। अभी शीतकारी प्राणायाम के जैसे हमने लाभ देखे वैसे हम उसकी सावधानियां कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। मैंने कहा कि यह प्राणायाम जो है वो हमें ठंडक देता है, मुंह में ठंडक उत्पन्न होती है तो सर्दी के सीजन में इस प्राणायाम को नहीं करना है। लेकिन मैं कहूंगी कि यह प्राणायाम समर सीजन में हमें उसके राउंड ज्यादा करना है क्योंकि उसकी हमें तभी जरूरत है। लेकिन सर्दी के सीजन में प्राणायाम नहीं करने से अच्छा है कुछ थोड़े ही राउंड्स इस प्राणायाम के हम करेंगे। खांसी या टॉन्सिल से पीड़ित व्यक्तियों को यह प्राणायाम जो है वो पूर्णपणे वर्जित है। आज हमने शरीर को ठंडक देने वाला क्रोध कम करने वाला शीतकारी प्राणायाम हमने आज सीखा। मैंने कहा कि ये प्राणायाम बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा अलग है। बच्चों मैंने कहा कि यह प्राणायाम से हमारा क्रोध कम होता है, हमारा गुस्सा कम होता है क्योंकि हमें घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आता है।
वैसा देखा जाए तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ही गुस्सा थोड़ा जल्दी ही आता है। लेकिन अगर इस प्राणायाम का सराव अभ्यास हम करते रहेंगे तो गुस्सा कम करने के लिए हमें इस प्राणायाम की मदद होगी। इसके साथ साथ मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा ट्रिकी है कि जब भी हम ये प्राणायाम करते हैं, मैंने कहा कि मुंह से हम श्वास जब लेते हैं तभी जब भी पूरक करते हैं और प्रश्वास नाक से जब भी करते हैं तभी हमें एक थोड़ा सा एडिशन उसमें करना है। वो एडिशन क्या है? जब भी हम पोजिशन लेंगे और प्राणायाम की शुरुआत जब भी हम करेंगे, श्वास जब भी हम मुंह से लेंगे उसी समय हाथों की जो मुठियां हैं वो जोर से दबानी है, फिस्ट क्लोज इट वेरी टाइटली, और जो फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल हमारे मसल्स जो है उनको खींचना है, उनको कॉन्ट्रैक्शन में लाना है और हमें ब्रीथ इन पूरक करना है। और जब भी हम रेचक करेंगे तभी आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मुठियां और फेशियल एक्सप्रेशंस को हमें नॉर्मल करना है। जब भी हम ये करते हैं, ये एडिशन उसमें अभी जब भी हम करेंगे तभी आपको ही उस प्रैक्टिकल के बाद मालूम होगा कि ये प्राणायाम करने के बाद क्या होगा। इस प्रकार का प्राणायाम करते वक्त एडिशन करने के बाद हम शरीर और मन का जो टेंशन है, प्रेशर है, वो हम रिलीज करते हैं। इसीलिए ही शायद किसी ने कहा है, विश्व ने माना योग का लोहा, योग ने दुनिया का मन मोहा। धन्यवाद।